चलो। नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है, समय समय पे मैं विभिन्न विभिन्न जानकारी आपको डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स और जो अदर खेती के रिलेटेड जानकारी होती है, जो खेती के अंदर चुनिंदा लोग हैं जो आसपास कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको कैमरे के सामने ला के आपके लिए जानकारी इकट्ठा करूँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आप सामने देख सकते हैं एक युवा हमारे सामने बैठे हैं और इनका नाम और ये कहाँ से बात कर रहे हैं, अधिक जानकारी के लिए इनसे ही बात करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू देसी फार्मर सर। सबसे पहले सर, जो सामने किसान भाई देख रहे हैं, इनको आप अपना परिचय बता दीजिए, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हो, और थोड़ा ब्रीफली अपने बारे में, भाइयों के बारे में आप बताइए सर। ठीक है, तो बेसिकली मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ और जिस जगह पर मेरा फार्म है उस जगह का नाम, गाँव का नाम है खाड़ी पाचम और नियर कंबोडिया चौकड़ी नीतरंग। ठीक है, और सूरत में मैं एक्चुअली मेरे टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने पढ़ाई बीकॉम एमबीए किया हुआ है और यहाँ पर हम लोग फार्मिंग के साथ, मेरा एक छोटा सा डेयरी फार्म है वो हम लोग ऑपरेट करते हैं यहाँ पर। सर जैसे कि आपने कब स्टार्ट किया, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, कितनी गायों से आपने स्टार्ट किया और अभी कैसा चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली बताइए। बेसिकली मैंने अपना ये जो फार्म है वो 2018 में एक काऊ से शुरू किया था, वो काऊ अभी भी है मेरे पास जी, उसका टैग नंबर 18 है, तो वो काऊ से मैंने बेसिकली शुरू किया था। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए जी, और एक से तीन, तीन से पाँच, पाँच से दस तक पहुँचे जी। ठीक है, फिर हमको कहीं से नॉलेज मिला ये भी इसका सीमन अच्छा आता है, तो पहले बार में मैं 10 ट्रॉ लेकर आया था जी, जो मैंने मेहसाणा से मंगवाई थी जी, ABS स्ट्राइकर की, वो 10 ट्रॉ से मेरी सेकेंड और थर्ड लैक्टेशन की काऊ को मैंने प्रेग्नेंट किया, उसमें से दो काऊ मोस्टली प्रेग्नेंट हुई थी, एक या दो 10 ट्रॉ में से, तब जाके समझ में आया ये 20,000 रुपये खर्चा किया और सिर्फ एक काऊ प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, तब तो जीरो नॉलेज था हमारे में, कोई नॉलेज नहीं था, फिर धीरे धीरे लोगों से मिले, बात करते गए, समझते गए और नॉलेज गेन करते गए। जैसे सर आपने बताया कि धीरे धीरे आप कहीं डेयरी फार्म में गए थे कि आपने डेयरी फार्म पे आपने एक्सपीरियंस करके आज जो आपका पास नॉलेज का जो डिक्शनरी है जिसको बोलते हैं भंडार है, वो यहीं से गेन किया है कि या इसके पीछे कहीं काली रातें हैं, कहीं स्ट्रगल स्टोरीज है, कुछ ऐसा आपके साथ घटित हुआ है जो रोमांचक कुछ तथ्य है जो किसान भाइयों को सामने आप लाना चाहोगे, वो आपको सुन के काफ़ी मोटिवेट हो सकें, तो कुछ मोटिवेशनल बातें बताइए कि आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं सर। ओके, जब 2018 में हम लोग काऊ लेकर आए तब तो हमें कुछ भी नहीं पता था जी, कि काऊ कैसे ब्रीड करनी है, कब हीट में आएगी, उनका साइकिल क्या होता है, वी हैव जीरो नॉलेज। ओके, ठीक है, तो फिर गाय हीट में आती गई, रिपीट होती गई, यहाँ के लोकल बंदे थे जो यहाँ आसपास खेतों में काम करते वही दूध निकालते थे जी, ना कोई फीडिंग मैनेजमेंट, ना कोई चारा मैनेजमेंट, वही सुमूल का दाना आता है, खिला देते थे, दूध निकाल लेते थे, और उस टाइम पर मेरे पास हार्डली एक टाइम का 3-4 लीटर दूध देने वाली काऊ हुआ करती थी जी। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे मैं परचेस करता गया, अच्छी ली, क्रॉस ब्रीड ली पहले, फिर धीरे धीरे बढ़े आगे, बढ़ने के बाद हमारे यहाँ है ना एकदम से एक प्रॉब्लम शुरू हो गया, काऊ 7 मंथ में अबॉर्ट करना शुरू हो गई जी, तब मेरे हड में 22 या 23 काउस थी, उसमें से मेरी 10 गाय 7 मंथ में ही अबॉर्ट कर गई जी। जब वो अबॉर्ट कर गई तब मुझे यहाँ के डॉक्टर ने गाइड किया कि इन लोगों को शायद ब्रुसेला हो सकता है जी। ठीक है, तो मैंने फिर उसके बारे में स्टडी किया कि ब्रुसेला एक्चुअली क्या होता है, वो स्टडी करने के बाद पता चला कि ये डिजीज़ क्योर नहीं होगा, अगर ये ब्रुसेला पॉजिटिव काउस को आप अपने हड से बाहर नहीं निकालोगे तो वो एक एक करके सारी गाय को ब्रुसेला पॉजिटिव कर देगी और हर गाय अपने काविंग से पहले 7 मंथ में ही अबॉर्ट कर जाएगी। अगर ब्रुसेला पॉजिटिव होती है काउ तो 7 समझिए 6.5-7 या 7.5 महीने तक वो अबॉर्ट कर ही जाती है और फिटस पूरा होता है जो बाहर फेंक देती है। इसके लिए मैंने नौसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर माइक्रोबायोलॉजी के डीन है डॉक्टर कल्याणी जी, उनका मैंने कांटेक्ट किया और उनको यहाँ से सारे सैंपल अपने कलेक्ट किए जी। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उनका सबका एलाइजा टेस्ट करवाया और एलाइजा टेस्ट में मेरे पूरे हड में से 22 सैंपल में से 10 सैंपल पॉजिटिव निकल गए। 10 सैंपल पॉजिटिव निकलने के बाद तुरंत मैंने, समझिए रिपोर्ट के विद इन 2 डेज सारी काऊ मैंने सेल कर दी अपनी, वो सारी काऊ मैंने अप्रोक्स कुछ 2 लाख रुपए में सेल की थी। वैसे उनकी ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करें तो कितनी कॉस्ट की होगी वो उस टाइम? वो कॉस्ट होगी कुछ
साढ़े चार पाँच लाख रुपए, 4.5-5 लाख की उसको आपने 2 लाख रुपए में सेल, 2 लाख रुपए में हाथ जोड़ के दे दी मैंने। जैसे आपने ये बीमारी बताई ब्रुसेला, इसका क्या सिम्टम्स होते हैं? इफ़ ए फार्मर इज़ हैविंग डेयरी फार्म, उसका अवेयरनेस नहीं है, तो आप जैसे आप तो आपके साथ ये बीत चुका है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स, वो कैसे उसको पहचान सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। ब्रुसेला बेसिकली ये चीज़ होती है कि वो एनिमल को अनफर्टाइल करता है, ठीक है, और वो इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमन को भी लग जाता है, ठीक है। अगर ह्यूमन में लग गया, अगर अगर मेल है तो उनके टेस्टिकल सूज जाएंगे, फिर उनको हाई फीवर आएगा। अगर फीमेल है तो फीमेल में भी अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होती है, और हाई फीवर रहेगा। और एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में जो आगे के पैर है वो सूज जाते हैं, और फिटस वो लोग 7 मंथ में अबॉर्ट कर देते हैं। अगर अबॉर्ट कर दिया तो रिटेंशन ऑफ प्लेजेंटा होगा, जिसको आरओपी बोलते हैं, ठीक है, जेर गिरेगी नहीं टाइम से, प्लेजेंटा जेर जो आप बोल लो वो टाइम से गिरेगी नहीं। तो ये सारे साइंस होते हैं कि ये शायद ब्रुसेला पॉजिटिव हो सकती है। और हम लोग आज भी कभी भी हर 6 महीने में अपने पूरे हड का रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। यू बायो की टेस्टिंग किट है जो हम लोगों ने महाराष्ट्र से उनका हम लोग टेस्टिंग किट मंगवाते हैं, और हर 6 महीने में अपने पूरे हड का टेस्ट करते हैं। फिर मेरे पास अगर फीमेल का है तो 4 महीने के बाद मैं उसका ब्रुसेला का वैक्सीन करता हूँ। अब तक क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ब्रुसेलोसिस की यहाँ वैक्सीन नहीं करती थी, और यहाँ हमारे एरिया में चासवर्ड डेयरी लगती है जो चिलिंग सेंटर है, वहाँ से सूरत सुमूल को दूध सप्लाई होता है, तो वो लोग भी ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन आज तक नहीं करते थे। फिर मैंने एक हेस्टर करके कंपनी है उनके पास से वैक्सीन मंगवाई थी, और यहाँ सबकी ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन मैंने जितने भी मेरे छोटे बच्चे थे 4 महीने के ऊपर के फीमेल का, उन सबकी ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन करवाई थी। वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार लगती है उनको, और शायद 2 ml लगती है पर एनिमल। हम जो ब्रुसेलोसिस टेस्टिंग किट की बात कर रहे थे वो ये है, यू बायो कंपनी का जी, यू बायो कंपनी का टेस्टिंग किट का बॉक्स है, इसके अंदर 10 किट्स आती है जी। ये किट को ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल स्ट्रिप निकलती है, अपना कोविड टेस्ट होता है, कोविड टेस्ट की तरह ये स्ट्रिप निकलती है। जैसे खुलते हैं इसके अंदर से प्लास्टिक का स्ट्रिप निकलता है जी। स्ट्रिप निकलने के बाद इसके अंदर ये एक चीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि जो अपनी काव होती है उसके कान के पीछे जो अपनी नीडल होती है उसको पंच करते हैं, वहाँ से थोड़ा खून निकलता है, तो इसके अंदर दबा के वहाँ से खून ले लेते हैं जी। खून को इसके अंदर 2 ड्रॉप खून डालते हैं जी, और ये इसका जो होता है लिक्विड होता है साथ में जी, जो एंटी, ठीक है, उसको खून के ऊपर ऐसे एक और दो ड्रॉप पॉर करते हैं जी। और पॉर करने के बाद यह है ना वेट करते हैं 5 से 6 मिनट के लिए जी। और ये जो कंट्रोल लाइन है जो सी है माने कंट्रोल होता है वो आएगा, तो इसको ब्रुसेला नहीं है। अगर दोनों लाइन पॉजिटिव आ गई तो इसको ब्रुसेला है, ये इस हिसाब से होता है। अच्छा, इसका ये टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग किट है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये तो सर काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। अगर कोई ये देखिए अभी मैंने जो डाला हुआ है तो पिंक लाइन आना शुरू हो गया है इसके जी अंदर। जी सर देख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक भी लाइन, एक या दो, कोई लाइन नहीं आएगी, सीधा पिंक लाइन आएगी, माने कोई लाइन नहीं है, माने समझ सकते हो आप कि ये आपको फिर से करना पड़ेगा टेस्ट, ये आपका फेल हो गया टेस्ट। अच्छा, फेल का है, हमने ब्लड नहीं डाला ना इसके अंदर। समझ गया। अगर ब्लड होता तो ब्लड के साथ वो अंदर एंटीजन रिएक्ट करता जी। इसकी सर कोस्टिंग वोस्टिंग का कितना क्या रहता है, कोई लेना चाहेगा? ये ब्रुसेलोसिस टेस्टिंग किट है जो इसका प्रिंट रेट 3,000 रुपये है जी। इसके अंदर 10 किट आती है जी, और यू बायो करके कंपनी है जी, वो ये प्रोवाइड करवाती है, और बॉम्बे की भी एक दो कंपनी है वो भी ये चीज़ प्रोवाइड करवाती है। इससे हम लोग पूरा हड का चेकिंग करते रहते हैं कि हमारे यहाँ फिर से ये चीज़ ना हो। और जैसे आपने बताया ब्रुसेला बीमारी आती है, एक बार उसका इंजेक्शन लगवा दिया या मेडिसिन ले ली, तो उसके बाद क्या गारंटी है उस चीज़ की कि वो नहीं आएगा या वापस रिपीट हो सकता है? देखिए, ये जो ब्रुसेला है ना, उसकी दवाई नहीं होती, उसकी वैक्सीन होती है। अच्छा। जैसे HSBQ और FMD हो गई, तीनों की कॉम्बिनेशन में लगती है, वैसे ही इस तरह की एक वैक्सीन है जो फीमेल काफ को करवानी ज़रूरी है जी। हमारे यहाँ सबसे बेसिक चीज़ ये गांव देहात के अंदर, मैं भी यहाँ जो मेरा डेयरी फार्म है वो गांव देहात ही आप बोल सकते हो जी। सूरत 620 किलोमीटर दूर है, और यहाँ सराउंडिंग समझिए 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर में ऐसा किसी ने बनाया नहीं होगा।
और क्या है कि ये ब्रुसेला के अंदर क्या होता है कि आपको वैक्सीन ही आपका सबसे मेन प्रिवेंशन है। और अभी ये साल से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी वैक्सीनेशन शुरू किया है, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनकी, गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं हर गांव हर तहसील के अंदर, एक एक जो पशु चिकित्सक होता है, जो सरकारी पशु दवाखाना होता है, उसके अंदर ये चीज़ उन्होंने शुरू की है और वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको सर वो अपनी बात पीछे रह गई, आपका गाइडेंस देने वाला कौन था, या आपने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, क्या उसके बारे में थोड़ा बताइए। गाइडेंस में क्या है कि 2018 से मैंने शुरू किया, ठीक है, फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई वैसे वैसे किसी और से सलाह लेते गए, पूछते गए, जी और रिपीट ब्रीडिंग के अंदर भी फिर धीरे धीरे करके समझे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी है क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से सब कुछ काउस को हम लोग देते गए और धीरे धीरे काउ हमारी कंसीव होती गई। फिर हमने 2020 से नहीं 2021 जनवरी से हमारे एक जितेंद्र शर्मा करके एक काउ कंसल्टेंट है जो वडोदरा से बिलोंग करते हैं, उनको हम लोगों ने हायर किया। वो मंथली 2 या 3 बार यहाँ विजिट करते हैं और सब कुछ ऑपरेशन देखते हैं कि कैसा चल रहा है और कौन सी काउ में कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हम लोग उनकी सलाह से ये सब कुछ करते हैं। इसके अलावा आपका मैं डेयरी फार्म भी दर्शकों को बाद में पूरा कवर करके दिखाऊंगा। इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज 3 हैचेस बना रखे हैं, इसकी भी एक अलग कहानी है, ये ज़रूर बताएंगे। उससे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपके पास टोटल कितनी गायें हैं, कौन सा सीमेंस की गायें हैं, ब्रीडिंग पे आप क्या कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। ठीक है, तो 2018 से क्या है कि मैंने EBS का तो ट्राई कर लिया, फिर मेरे पास सीमन हो गए ख़त्म, तब मैंने सीमन रखने के लिए एक छोटा छोटा 3 लीटर वाला क्रायोकैन लिया था, वो तब मुझे 10,500 रुपये कुछ पड़ा था, ठीक है। उसके अंदर हमको तो ये भी नहीं पता था कि नाइट्रोजन गैस बार बार डालनी पड़ती है, क्योंकि 3 लीटर के कंटेनर के अंदर आपका नाइट्रोजन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन, उसके बाद वो खाली हो जाएगा। हमको तो वो भी नॉलेज नहीं था कि इसके अंदर ये डालना होता है। फिर समझ में आया कि भाई इसके अंदर तो नाइट्रोजन भी लगता है, अगर सीमन नाइट्रोजन लेवल के अंदर डूबा रहेगा तो वो 100 साल तक ऐसा कैसा रहेगा। और माइनस जो नाइट्रोजन होता है लिक्विड नाइट्रोजन, उसका टेम्परेचर शायद रहता है -176 डिग्री या 176 डिग्री, ऐसा कुछ होता है उसका टेम्परेचर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम लोग सीमन रखते थे। और फिर वहाँ से हमने शुरू किया, तो फिर मैंने अपने है ना खेड़ा जिले में बोनी भाई करके जो SAG के सप्लायर है, सीमेंट सप्लायर, फिर मैं उनसे मिला, उनसे मैंने अपनी रिपीट ब्रीडिंग के बारे में थोड़ी सलाह ली कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे सलाह कंट्रोल ब्रीडिंग की दी, जो पहले दिन उसमें लगता है 5 ml रिसेप्टल, फिर समझिए 7वें दिन लगता है अपना, समझिए वेटमेट लगा लो 2 ml या लुटालाइज लगा दो 5 ml, या इंस्ट्रूमेंट लगा दो 2 ml वो लगता है, फिर 9वें दिन वापस 5 ml लगता है रिसेप्टल, और 11वें दिन होती है सीडर निकाल के, 9वें दिन सीडर हम लोग सीडर भी यूज़ करते हैं जिसमें बहुत इश्यू होता है, 9वें दिन सीडर निकाल के 11वें दिन उसकी ई आई करता है, उसको बोलता है कंट्रोल ब्रीड। और अभी जो मैंने लास्ट सीजन मेरे यहाँ पर SAG का सीमन चल रहा था, उसमें ये एक समझिए एक जर्सी का भी बुल था, उसका भी मुझे नाम याद नहीं है, फिर समझिए 4116 हो गया, 4120 हो गया, और मेरे पास जो हीपर सही है वो ABS के सेक्स सीमन की ब्रूड की है, मैजिक की है, पाइपर की और डस्टर की है, ये 4 की मेरे पास सेक्स सीमन की फीमेल काफ है। और अभी जो मेरे फार्म पे चल रहा है सीमन, उसमें से थोड़ा मैंने लास्ट ईयर कॉमन और हल्का WWS का भी यूज़ किया था, और अभी एट प्रेजेंट मेरे फार्म पर चल रहा है सीमन, वो जेराल्ड चल रहा है, ब्रेंडी चल रहा है, जर्सी के अंदर डेंडी चल रहा है, और सबसे महंगा इस बार उनका है पसात, वो पसात भी चल रहा है जिसका TPI कुछ 2600 आसपास है। थोड़ा सा इसको आपको मेरे को पता, आप तो नॉलेज के भंडार हो, तो ये ऐसी जानकारी शायद पहले किसी ने दी होगी। प्रेजेंटली कितने टाइप्स के सीमेंस हैं, क्या क्या रेट है, चल रही है हाईएस्ट अभी जो मार्केट इंडिया के अंदर चल रहा है उसमें कौन कौन से सीमेंस है, कहाँ से लोग खरीदना चाहे, किसान भाई है जो दूर दराज एरिया में बैठे हैं वो कैसे ले, क्या प्रोसेस रहता है इसका, वो कैसे यूज़ करे, और वो सेफली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करे, प्रोसेस को कैसे वो सक्सेस पा सकते हैं, उसके बारे में सीमेंस, क्योंकि गाय का
जो डेयरी फार्म होता है तो सीमेंस उसका सबसे पहला मेन, अपन जैसे जमीन अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव सबसे जितनी मजबूत होती है उतनी बिल्डिंग जैसे रहती है, तो जितना अपना सीमेंस सबसे अच्छा रहेगा उतना ही डेयरी फार्म अपना सक्सेस पे रेशियो हाइस्ट रहेगा। सो माई क्वेश्चन इज दैट वाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय द डेयरी फार्मर्स, व्हाट टाइप ऑफ सीमेंस दे शुड यूज, कौन सा उनको यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में जानकारी दीजिए। ठीक है, देखिए सीमेंस की इंडिया के अंदर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने तो 3 कंपनी का अब तक यूज़ किया है। SAG हो गया जिसे सेग बोलते हैं, फिर हो गया अपना ABS हो गया जिसका पुणे बानेर में सेंटर है मेन सेंटर, और WWS हो गया जिसका पूरा सीमेंस चंडीगढ़ डॉक्टर अनिल बेरी इम्पोर्ट करते हैं और वहाँ से पूरे इंडिया में शायद डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक कंपनी हो गई जिसका सीमेंट मैंने आज तक यूज़ किया है, और भी CRI आती है जो कैनेडा की आती है, वो हमने यूज़ नहीं किया तक, ना ही हमें पता है कि उसका सीमेंट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और हम करते सीमेंट यूसेज की, जब मैंने सेक का यूज़ किया था 4116 4120 दोनों 16 और 18,000 लीटर वाले बुलेट, ठीक है, तो हमें तो पता नहीं था, जब हमारी काउ कम दूध वाली थी और हमने बुल सिलेक्शन कर लिया 18,000 लीटर वाला, वो तब हमारी गलती थी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपकी समझिए काउ 6,000 लीटर वाली है, आज तो 10,000 लीटर के नीचे कोई बुल शायद नहीं होगा, पहले के टाइम पे आते थे 6,000 8,000 9,000 लीटर वाले बुल, वो पहले के टाइम पे होता था, आज के टाइम पर तो ऐसे बुल नहीं आते। आज जितने भी बुल है जो भी कंपनी के अंदर, वो सारे 10,000 11,000 लीटर के प्लस वाले हैं। पहले तो आप अपनी काऊ का बॉडी कंडीशन स्कोर देख लीजिए कि गाय हेल्दी है, हड्डी पसली नहीं दिख रही, प्रॉपर फीडिंग हुई है, अगर वेट भी प्रॉपर है उसका, अगर 600 किलो के ऊपर है तो आप कोई भी अच्छी ब्रांड का या WWS का हो गया या ABS का हो गया, आप कोई भी सीमेंट उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अभी ABS के अंदर क्या होता है कि ABS के अंदर जो सीमेंट होता है वो 0.25 ml होता है, और WWS का स्ट्रॉ थिक होता है और उसके अंदर 0.5 ml सीमेंट होता है। इसके अंदर इससे बेनिफिट ये होता है WWS से, और WWS का सीमेंट लगाने के लिए अपने को AI गन भी यूनिवर्सल चाहिए, वो अब छोटी गन से स्ट्रॉ जाएगा ही नहीं अंदर उसका, तो इससे फ़ायदा क्यों होता है कि आपका कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है क्योंकि अंदर पम्प्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसलिए हम लोग पिछले साल से ही, जो हमारे कंसल्टेंट थे जितेंद्र शर्मा, उनके कहने पर हम लोग WWS का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट भी, मेरे पास उनके काफ भी आए, 2 या 3 फीमेल काफ भी मेरे पास, और अभी जो मेरी फर्स्ट लैक्टेशन की जितनी बछड़ी ने काविंग किया है वो ABS के सेक्स सीमेंट से, मैंने लास्ट ईयर जो प्रेग्नेंट की थी उनकी अभी काविंग हुई है, उसमें से 5 में से मुझे 4 फीमेल काफ मिली है। 5 में से 4? हाँ। तो इसका स्पेसिफिक कुछ रीजंस है कि या ये रीजंस साइंस है या ये भगवान की देन है, क्या सीमेंट्स का कमाल है, आप क्या मानते हो इस चीज़ को? इसमें क्या है कि साइंस ने तरक्की कर ली, देखिए आपके पास अगर मिल काफ आया उसका करोगे क्या? ठीक है, आजकल तो बैल चलते है नहीं जी, बैल हो गए बंद, पहले लोग खेतों में चलाते तब तो ट्रैक्टर आ गए सारे जी, तो वही बात है, बैल किसी को चाहिए नहीं, कोई बाहर रास्ते पे छोड़ेगा और वो किसी को करना नहीं, इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट्स आ गए। और जैसे कि सर आपने बताया, कहीं मैं डेयरी फार्म में जाता हूँ जनरली, उनको जब गाय बच्चा देती है तो गर्भाशय में उनको, क्योंकि उनका जो अंदर कल्प पल रहा होता है वो सीमन ऐसा लगा देते हैं कि उसके बॉडी वेट के ओवरऑल वेट के हिसाब से उससे दुगुना उसके अंदर बच्चा पैदा होता है, तो कई गायों की ऐसे डेथ भी हो गई है, तो क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए, कौन सा सीमन यूज करना चाहिए उसके शरीर के हिसाब से, उसके बॉडी शेप के हिसाब से, उसके पीछे थोड़ा सा बताइए कैसे? एक तो क्या, अगर आप आपके पास हीपर है जी, जब फर्स्ट टाइम आप AI करोगे जी, उसका कम से कम वेट 400 किलो हो, लोग 300 किलो पे करते हैं, हम लोग 400 किलो पे करते हैं, अगर 400 किलो हो जाए उसके बाद ही करो कि वो बच्चा संभाल भी पाए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने रहे और बच्चा निकलने भी आसानी रहे। अगर हीपर प्योर ब्रीड की है, ठीक है, अभी मेरा सेकेंड जनरेशन एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर मैं तो 2018 आज 2021 हुआ, फिर भी मैं तो सेकंड जनरेशन पर ही पहुँचा हूँ, लोग है बहुत सारे 7वें 8वें जनरेशन पर पहुँच गए हैं। कैसे पहुँचे सर वो? मतलब क्या है कि काऊ है उसके अंदर आपने सेक का सीमेंट डाला जी, प्योर बछड़ी आई उसके अंदर WWS का सीमेंट डाला फिर से प्योर बछड़ी आई, उसके अंदर ABS का सीमेंट डाला फिर से प्योर बछड़ी है, वो थर्ड जनरेशन आपकी प्योर चल रही है। समझ गया। ऐसे लोगों की 7वीं 8वीं जनरेशन तक प्योर चल रही है, हम लोग तो अभी सेकंड जनरेशन पर ही सिर्फ पहुंचे हैं जी जी, जो प्योर है हमारी। सीमेंट्स की बात आपने कर ली सर, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या, एक जैसे एक सीमेंट गाय में
एक पीरियड के अंदर अपने एबीएस का सीमन लगाया, दूसरे दूसरा कंपनी का लगाया, तीसरी बार तीसरा लगाया, तो इसमें गाय को कुछ तकलीफ होती है क्या, कुछ आप परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, कब अपन को सीमन चेंज करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सीमन चेंज के अंदर क्या है कि इसमें बुल की पेडिग्री डिटेल देखनी पड़ती है, और जो आप हिफर का एआई कर रहे हो उसकी पेडिग्री डिटेल देखनी पड़ती है कि ये हिफर कौन से सीमन से पैदा हुई है जी। फॉर एन एग्जांपल कि WWS के कॉमन सीमन से ये पैदा हुई है, ठीक है जी। तो उसका बाप ओमेन शायद था, उसका बाप सिल्वर एक्स ऐसा कुछ था, और उसका दादा, ऐसे तीन पीढ़ी आपको चेक करनी पड़ेगी जी। तीन पीढ़ी चेक करके वो हिफर को बाद में उसकी जो काफ होगी उसको सीमन लगेगा जी, वरना ये इंटरब्रीडिंग हो जाएगा, इंटरब्रीडिंग से आपका दूध नहीं बढ़ेगा। तो कितना कितनी पीढ़ी तक अपन को चेक करना पड़ा पेडोलॉजी? तीन पीढ़ी तक आपको देखना पड़ेगा क्या है क्या कैसे है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरा सर, अभी कैसा चल रहा है बिजनेस? फ्रेंकली पूछूंगा क्योंकि आप एक अलग पढ़ी लेके MBA ग्रेजुएट हो, आपका खुद का एक बिजनेस है, तो उस लाइन से इस लाइन में कैसे आए, एक शौक के तौर पर आए या आपका इंटरेस्ट था या आपका रीज़न क्या था इस लाइन में आने का? देखिए मैं तो सूरत एक्चुअली सूरत गुजरात से बेसिकली बिलोंग करता हूँ जी, ठीक है। हमारा सूरत के अंदर डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट है जी, ठीक है। मेरे दो डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट है जी, और ये जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास 1982 से यहाँ पर जो सूरत से 125 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, मतलब मैं पर्सनली बचपन से अपने दादा दादी के साथ बहुत आया हूँ, ये जगह से मुझे पहले से लगाव था। और हमारे दादाजी के टाइम पर हमारे पास थोड़ी 4-5-6 देसी ब्रिड की काउस थी, ठीक है। उनको देखा फिर एक दिन, क्या है कि हमारी ये सिस्टम है कि जो गाय दूध नहीं देती उसको हम सेल आउट नहीं करते, ठीक है। उनको भी पालते पोसते सब कुछ करते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास तीन एक काउ थी हमारे पास, जो लास्ट ईयर डेथ कर गई उम्र के कारण, 20-22 साल की हो गई थी। तो उनके बाद मुझे हुआ कि चलो दो गाय लेकर आता है, यहाँ पर आदमी तो है ही अपने पास, दूध निकालना भी जानते हैं और काम भी कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर धीरे 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 स्टार्ट किया, और शौक बढ़ता गया और ये काम भी बढ़ाते गए। नहीं शौक नहीं बढ़ा सर, आप तो डिशनरी बन गए डेयरी फार्मिंग के हिसाब से। जैसे आप अभी कैमरे के पीछे आपने जैसे बातें की, मैं तो सोच रहा था आप डॉक्टर हो इस एनिमल्स लाइन में, डॉक्टरी कर रखी है, MBBS कर रखा है, क्या कर रखा है। पर जैसे आपने बताया आपने तो MBA ग्रेजुएट मार्केटिंग में आपने MBA कर रखा है, कोई ना सर मार्केटिंग आपने MBA उसमें करा है, पर जैसे आपका इंसान का इंटरेस्ट होता है तो कुछ भी कर सकता है, जैसे आप सामने एक उदाहरण के तौर पे हो सर। और सर जैसे आप जैसे यंग जनरेशन, मैं कई बार घूम चुका हूँ आनंद गुजरात में और कहीं ऑल ओवर इंडिया में, काफ़ी यंग जनरेशन जो इंजीनियर हो गए, MBA ग्रेजुएट हो गए, काफ़ी लोग इस लाइन में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये भी एक अलग ही, इसका भी एक अलग यूनिक सेक्टर होगा, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसका भी एक, इसका डेयरी फार्म का या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं सर? देखिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करता हूँ जी, मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ आता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ मुझे पहले मतलब पसंद है, इसलिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। और ये कमर्शियल लेवल पर अगर आप लेकर जाओ तो डेफिनेटली आपके पास मैनेजमेंट अच्छा है, आप ब्रीडिंग अच्छी कर सकते हो, आपके पास रिपीट ब्रीडर नहीं है तो 110%, और काउ का ब्रीडिंग साइकिल आप 400 दिन के अंदर मेंटेन कर लेते हो तो 110% ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। आपका लेबर मैनेजमेंट कितना है, कितनी गायें आपने जैसे बताई, कितनी गाय बताई थी स्टार्टिंग में, एक बार वापस बताइए टोटल नंबर ऑफ काउज, हाउ मेनी टोटल नंबर? टोटल नंबर ऑफ काउ मेरे पास 40 के अराउंड है, 38-40 के अराउंड है, और उसके साथ मेरे हीपर्स और काफ मिला के 30 आसपास होंगे। कितना मिल्किंग में है और कितने ड्राई में है और कितना उस हिसाब से बताइए। मिल्किंग में अराउंड 20 है मेरे पास। 20 आपके पास मिल्किंग में? 20 मिल्किंग में, उससे दोनों टाइम का मेरा मिल्क हो जा रहा है 280 लीटर, और धीरे धीरे अभी काविंग मेरे पास स्टार्ट होगी। हाईएस्ट कितना आपका मिल्किंग रिकॉर्ड है पर गाय का, कोई गाय है? मेरे पास एक यहाँ 11 नंबर की गाय है, एक 2 नंबर की गाय है, उनका हाईएस्ट मिल्क रिकॉर्ड देखिए, जो 11 नंबर की गाय है वहाँ पर जो बैठ के जुगाली कर रही है जी जी, ठीक है। हाँ। वो 8th मंथ प्रेग्नेंट है। हाँ। उसका दूध मेरे यहाँ था 36 लीटर का जी, और 2 नंबर की एक काउ है मेरे पास जो अंदर मैंने बांधी हुई है, ठीक है, उसको मैं ड्राई ऑफ कर रहा हूँ अभी जी, उसका दूध भी मेरे पास 34 लीटर था। 34 लीटर था। फिर यहाँ मेरे पास जो 36 नंबर की काउ है जी, 36 नंबर की काउ का भी दूध 32 लीटर था जी। मैं आज तक किया है कि भाई मैक्सिमम यहाँ पर 36 लीटर तक पहुँचा हूँ, उसके ऊपर नहीं गया हूँ। 36 लीटर भी अपने आप में एक सर
काफ़ी कम नहीं है, काफ़ी अच्छा आंकड़ा है 36 लीटर में लोग पहुंचने में सालों लगा देते हैं। मेन मुद्दे पे समस्याएं क्या क्या आ रही है आपको, व्हाट आर द स्ट्रगल्स यू आर फेसिंग ऑन द डेली बेसिस, आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्ट्रगल में क्या होता है कि एक तो गाँव में नॉर्मल फीवर आ गया अपना जी जी, ठीक है, फिर बारिश के टाइम पर फैलेरिया का एकदम सबसे सीवियर प्रॉब्लम होता है जी। फैलेरिया की हम लोग वैक्सीन करते हैं जी, हमारे पास हमारे क्रायोकैन में पड़ी हुई है, ठीक है, जो फीमेल काफ होती है वो थाइलेरिया की, उनको भी हम लोग वैक्सीन करते हैं बॉर्न होने के 6 महीने बाद। पहले ब्रुसेला की करते हैं 4 महीने पे, फिर 6 महीने में इसकी करते हैं थाइलेरिया की जी। और वही होता है जो टिक्स फीवर होता है, टिक्स मैनेजमेंट का एक तो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा जी। मेरे यहाँ हम लोग समझिए फॉर्मोलिन का लूज फॉर्मिंग के अंदर स्प्रे भी करते हैं, और पूरे शेड के अंदर हम लोग फॉर्मोलिन का स्प्रे करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, मस्टाइटिस की प्रॉब्लम ना हो। मेरे यहाँ मस्टाइटिस की प्रॉब्लम समझिए कि महीने में 1 से 2 बार मैक्सिमम आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती। तो उसको बचाव के लिए क्या करते हैं, टीकाकरण करते हो या क्या करते हैं? नहीं नहीं, उसके बचाव के लिए एक तो साफ़ सफाई हो गई, फिर मिल्किंग के बाद जो टिप डिप सॉल्यूशन होता है उससे अच्छे से डिप कर लेते हैं, ठीक है, और फॉर्मोलिन का हम लोग हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं पूरे हड के अंदर, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। गाय यहाँ से बेचते भी हो? हम लोग सेल भी करते हैं। सेल करते हो? कितने किस टाइप की गाय यहाँ से मिल सकती है, बछड़ी मिल सकती है, फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन, फोर्थ लैक्टेशन? गाय अभी मैं कवर करूँगा, आपको पूरा कवर करूँगा, उस टाइम किसान भाई देख लेंगे, पर मैं एक वर्बली आपसे पूछ रहा हूँ, तो किस टाइप की गाय यहाँ से आप सेल आउट करते हो? देखिए जो सेल आउट हम लोग करते हैं वो मैं अपने खुद के सिलेक्शन की सेल आउट करता हूँ, जो मैं बाहर से लाया हूँ जी, ठीक है, जिसके वो मैंने अच्छा सीमन लगाया है और उसकी बछड़ी मेरे पास आ गई है, ठीक है, अभी मेरा जो सेकंड जनरेशन एक्टिव हो रहा है जी, मैं जितनी बाहर से लाए हूँ वो मुझे सेल कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या अगले 1 से 1.5 या 2 साल में पूरा हड मेरा खुद का हो जाएगा। जितनी बाहर से मैं काउल आया हूँ उन सबको मैं सेल आउट कर दूंगा, और जितनी हिपर्स मैं तैयार कर रहा हूँ काफ और हिपर्स, उसका मुझे पता है ये कौन से सीमन की है, इसकी माँ कौन सी थी, उसका क्या दूध था, तो सारी पेडिग्री डिटेल मेरे पास रहेगी। बिजनेस डेयरी फार्मिंग जमीन आसमान का फर्क हो गया सर, दोनों का तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल से बैठ पाता है। बीइंग ए यंग जनरेशन, आप यंग लड़के होके इतनी मेच्योरिटी के ऐसे मैनेजमेंट स्किल्स कैसे डेवलप की, कोई युवा सामने देख रहा होगा वो भी इंजीनियर होगा या MBA करा हुआ होगा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, बट वो चाहता है कि खुद का बिजनेस हो, खुद के ऊपर छत हो, खुद का कुछ ना हो, यस बॉस ना करना पड़े, तो क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी और क्या क्या उसको सक्सेस होने में काम आ सकता है? सबसे पहली चीज़ यही है कि आप बेसिक नॉलेज कहीं से गेन कर लो पहले तो जी। देखो यूट्यूब से आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला, आइडिया मिल सकता है आपको, वो आइडिया आपको मिल सकता है पर नॉलेज नहीं मिलेगा। आइडिया जो कर रहा है वो बंदे के पास आप जाओ जी, ठीक है, उससे समझो कि क्या डिफिकल्टीज है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। समझिए मैं 2018 से मेरे यहाँ ऐसा हुआ है, अब तक मेरे पास 4 गाय की डेथ भी हुई है थाइलेरिया के अंदर जी। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मुझे 3 साल हुए, मुझे तो बहुत कम समय हुआ है और आज भी मैं सीख रहा हूँ, आई मीन अंडर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आज भी सीख ही रहा हूँ इसके अंदर। ये तो लाइफ का वो थॉट वो ही है, एक प्रोसेस है, इसमें जब तक इंसान जिंदा रहेगा वो कुछ ना कुछ नया आगे प्रोसेस में चलता रहेगा और उससे उसका एक्सपीरियंस भी गेन होता रहेगा। तो वो आज के टाइम में एक ये भी हो रहा है सर, काफ़ी डेयरी फार्मिंग बंद भी हो रहा है, मेन रीज़न होता है एक तो उनका मार्केट कनेक्टिविटी नहीं होता है, जैसे आपके तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ना आपकी भी मार्केट कनेक्टिविटी नहीं है, आप ना तो इधर के रहे उन्हें बीच में हो, तो बीइंग आपका कैसे आप प्रॉफिट निकाल पाते हो, कैसे अपन अपने आपका लेबर का कॉस्ट निकाल पाते हो सर काफ़ी, क्योंकि आनंद साइड हो गया वहाँ काफ़ी डेयरी है और वहाँ दूध सेल आउट आराम से हो जाता है, जैसे आप जैसी लोकेशन होती है जहाँ ना तो कोई बड़ी सिटी हो पास में ना कुछ और हो, फिर वो दूध बेचे तो कैसे बेचे और प्रॉफिट मार्जिन निकालने की कोशिश करे तो किस तरीके से निकाल सकता है, कुछ आइडियाज़ कुछ टिप्स आप कैसे निकालते हो? देखिए पहले मैं अपने खुद के मैनेजमेंट की बात करता हूँ, जो मेरा फार्म का पूरे एरिया है वो मैंने CCTV सर्विलेंस के अंदर रखा हुआ है जी, मेरे पास वाईफाई कनेक्शन भी है यहाँ पर, तो उससे एक तो ये पूरा मेरा शेड और हर्ड है वो मैनेज हो जाता है, प्लस अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो, अगर आपके पास खुद का हरा चारा है तो ही, अगर आप डेयरी में दूध डाल रहे हो और आपके पास खुद का हरा चारा है तो ही आप कहीं से भी प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं खुद हरे चारे के अंदर 3 टाइप का नेपियर यूज़ कर रहा हूँ, एक अपना सुपर नेपियर हो गया, एक ड्वाफ नेपियर हो गया और एक हो गया ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर जो लाल कलर का होता है, ये 3-4 मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और ठंडी के टाइम पर हम लोग अल्फा अल्फा यूज़ करते हैं,
ठीक है, जिसकी प्लांटेशन समझिए अभी मेरा सोयाबीन का क्रॉप निकलेगा 11वें महीने तक, और उसके बाद हम लोग उसकी प्लांटेशन कर देंगे। उसके अंदर प्रोटीन भी अच्छा रहता है, और ये क्या है कि जितना आप ग्रीन फोडर से कवरेज अपना अच्छा प्रोटीन वाला फोडर खिलाओगे, ठीक है, जितना प्रोटीन का कवरेज ग्रीन फोडर से करोगे उतना फीड की भी एक तो बचत होगी आपकी। और जो एनिमल अपना है वो साइलेज या फीड खाने के लिए नहीं बना है, वो ग्रीन फोडर खाने के लिए ही बना है। तो उससे जितना ज़्यादा उसको वो आप दोगे उतना अच्छा एनिमल के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके कॉस्ट बेनिफिशियल भी रहेगा आपके लिए। तो वो कैसे प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, दूध बेच के, गाय बेच के, मैनेजमेंट करके, कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैनेजमेंट चाहिए आपको। जी ठीक है, बिना मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं चलेगी। जी अगर मैं आपको बस दे दूँ और आप चलाना ही नहीं जानते तो आप बस एक्सीडेंट करोगे ही करोगे। राइट सर, ये एक बेसिक फंडामेंटल है। जी अपन जब साइकिल छोटे बच्चे होते हैं और साइकिल चलाना सीखते हैं बराबर, जी हम लोग एक बार गिरते हैं, दो बार गिरते हैं, दस बार गिरते हैं, फिर बैलेंस बनाना सीख लेते हैं। जी जी, तो ये बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है, आप चालू करोगे अगर आप अच्छे मतलब आप सीखने की चाह रखते हो तो एक दो बार चार बार गिरोगे फिर आप भी बैलेंस करना सीख जाओगे धीरे धीरे, भाई कहाँ से क्या बैलेंस करना है। आपका दूध कहाँ सेल आउट होता है, यहाँ तो मार्केट कनेक्टिविटी नहीं, कहाँ सेल करते हो आप? ठीक है, ये जो हमारा नेत्रंग एरिया है वहाँ पर है ना चासवड़ चिलिंग सेंटर है। जी चासवड़ यहाँ से मेरे फार्म से 5 किलोमीटर है। जी वहाँ पर एक चिलिंग सेंटर है, सरकारी मनेड़ी है। जी जिसके हम लोग खुद शेयर होल्डर भी है। जी ठीक है, वहाँ से वो दूध वो लोग सुमूल को सप्लाई करते हैं। कितना कॉस्ट रहता है आपका दूध का, पर केजी के हिसाब से या पर लीटर के हिसाब से निकालने की कोशिश करें कितना रहेगा? ठीक है, तो अभी मेरा जो फैट आ रहा है वो 4-4 फैट आता है और जो SNF है वो 8-6 आता है। जी ये दूध का मुझे समझिए 31.5 to 32 rupees पर लीटर मिल जाता है प्लस बोनस। फ्रेंकली आपसे पूछूंगा सर, डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं आज के टाइम, क्या रीज़न हो सकते हैं आपके हिसाब से, बींग एक्सपीरियंस होल्डर क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे पहला तो एक तो लेबर हो गया। जी फिर हो गया फीड मैनेजमेंट हो गया। जी और तीसरा हो गया एनिमल न्यूट्रिशन हो गया। जी और चौथा हो गया ब्रीडिंग हो गया। एक ये मैं ऐड करना चाहूँगा, लैक ऑफ नॉलेज तो है ही। वही वो चार बार गिरने के बाद आपने बैलेंस बनाना नहीं सीखे आप तो फिर पांचवी बार में आपको बंद करना पड़ेगा। अब सर जैसे आपने बताया कि पहला पॉइंट आपने बताया था लेबर मैनेजमेंट, आप सूरत रहते हो, यहाँ से 150-200 किलोमीटर है, आप कम्प्लीटली लेबर पे डिपेंड हो। ठीक है, आप कैसे अपना लेबर पे ट्रस्ट जताती हो और कैसे लेबर आप पे ट्रस्ट दिखाती है, वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप की जा सकती है, क्योंकि मैंने कई डेयरी फार्म में गया हूँ, लेबर का काफ़ी बड़ा इशू आ रहा है वहाँ पे, तो एटमोस्ट लेवल पे ये लेबर का कैसे इशू को रिजोल्व कर सकते हैं, आप कैसे करते हो? देखिए यहाँ क्या है कि हमारा एक कैटेकर है जो पहले से हमारे पास, वो जो हमारे खेत में काम करते हैं आदमी, वो चारा भी वही काट के लाते हैं, ठीक है, और खेत का काम वही करते हैं, वो हमारे जो हमारा आदमी यहाँ का कैटेकर उसके अंडर है, बाकी के भी जो डेयरी फार्म के लेबर्स है वो भी उसके अंडर ही है, सारा मैनेजमेंट वो कर लेता है, वो देख लेता है। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग हमारी सिस्टम है कि हमारी शीट बनता है हर रोज़ का कि कौन सी टैग नंबर ने सारी काउ का टैगिंग किया हुआ है, कौन से टैग नंबर ने कितना दूध दिया, तो उसके हिसाब से अगर कोई गाय 10 लीटर पे चल रही है और सीधा 4 लीटर दे दिया समझ लो या उसको मस्टाइटिस है या वो हाई फीवर के अंदर है, दो ही चीज़ हो सकती है, या फिर हीट के अंदर इतना कम नहीं होता, एक आध 2-3 लीटर कम होता है, दो चीज़ में से एक चीज़ होती है, तो उसके ऊपर से हम लोग मैं खुद ही अंदाज़ा लगा देता हूँ और इन लोगों से पूछ लेता हूँ। ये लोग भी बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, सामने से चेक करके बोल देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, अभी आगे ट्रीटमेंट क्या करना है, अगर मस्टाइटिस का प्रॉब्लम है तो MCF लगाएंगे, साथ में मैग्लूडाइन लगाएंगे, फिर वेलोनिक्स लगा देंगे, फिर उसको EDC दे देंगे, तो इस हिसाब से चलता रहता है काम। और आप जो लेबर और उनके रिलेशन की बात कर रहे थे, ये हमारे दिनेश करके है, यहाँ मैंने अपना कामकाज देखते हैं। कितना साल हो गया सर आपको यहाँ काम करते हुए? मेरे काम करते हो गया 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। कैसा लग रहा है, कैसा मालिक, कैसे हैं बॉस, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो जैसे मैं और डेयरी फार्म में भी जाता हूँ, वहाँ ऐसा मैं कम ही रिलेशन देखता हूँ, वो मालिक पे विश्वास नहीं करते या मालिक अपने लेबर पे विश्वास नहीं जताता। ठीक है, वो कम्प्लीटली जैसे छोड़ देते हैं, वो पीछे से गाली निकालते हैं कि यार ऐसा इसने कर दिया, मैं गायों को खाना नहीं दिया, दूध टाइम पे नहीं निकाला, फिर उस हिसाब से वो क्या है कि लॉस में चला जाता है। आपका यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आपकी भी अभी आप नहीं आए थे, उससे पहले भी कैमरे के सामने ये काफ़ी अच्छी तारीफ कर रहे थे, तो आपका यहाँ क्या रोल रहता है, कैसे आपको सपोर्ट करते हैं ये सब?
हम लोग को तो ये सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से करते हैं, देख रेख हम लोग के ऊपर हैं, ठीक ना जी। लेकिन ऐसे तो हम लोग अपने तरफ से बहुत अच्छी तरह से जानवर को जानते हैं जी। हाँ, आपको कितना साल हो गया यहाँ इस 1.5 साल हो नहीं गया। इससे पहले भी डेयरी लाइन में थे या यहीं आके? नहीं, इससे पहले मैं दूसरी जगह डेयरी लाइन में था। ऐसे तो मैं डेयरी लाइन में 20 साल से हूँ लगभग। आप 20 साल से हो? हाँ, 20 साल से। आप जैसे कहीं सामने डेयरी फार्मर्स इस वीडियो को देखेंगे, फार्मर्स देखेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस नॉलेज से क्या बताना चाहोगे, कैसे लेबर को रखना चाहिए या कैसे डेयरी फार्म में एक दूसरे को कैसे रिलेशनशिप, उनका भाई बंधुआ जैसा संबंध होता है वैसे कैसे क्यों कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जिस तरह से रखे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से है। नहीं, एक तो होता है इंसान को बार बार टोकते हैं, बार बार ये किया नहीं ये किया नहीं। आप जैसे आप अभी 1.5 साल हो गया, आप बता रहे काफ़ी अच्छे हैं, आपको क्या अच्छा लगा, इनका क्या अनुभव आपको अच्छी बातें लगती है वो थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि सामने जो देख रहे हैं डेयरी फार्मर्स है वो भी अपने लेबर्स को ये चीज़ें बता सके या ऐसे वो टैकल कर सके जिससे वो भी अच्छा उनका बिजनेस चल सके। सर, जिससे हम लोग को अच्छा ये लगा, ठीक ना, कि हम लोग यहाँ काम करते हैं अपने स्तर से अच्छे से, ठीक ना। हम लोग को जब भी पैसा कौड़ी का जो भी ज़रूरत पड़ता है, मान लिया अचानक मेरे को 10-20 हज़ार का लोड पड़ गया ज़्यादा पैसे की जी, वो भी मुझे देते हैं। हम लोग को खाना पाना सभी अपने तरफ से देते हैं जी। हम लोग को ये नहीं कहते हैं कि हाँ बाबू तेरे को 1000 रुपये में खाना है, ठीक ना जी जी। चाहे तो हम लोग खाने वाला सामान 1000 के जगह 2000 क्यों नहीं खा जाए जी, उससे इनको कोई तकलीफ नहीं है। इनको कहना है कि बस खाली अच्छा से काम को देखभाल करना है, काम में कमी नहीं रहनी चाहिए और बाकी की चीज़ों का ध्यान ये अपने आप रख लेते हैं। हाँ, आपका क्या कहना है सर, कैसे? वही है कि आप आदमी को अच्छी तरह से रखोगे जी तो आदमी भी आपके यहाँ अच्छी तरह से ही रहेगा। बिल्कुल सर, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है जी तो फिर आपको वो आपके लिए दिक्कत पैदा नहीं करेगा। जैसे आपके सामने एक सर पर्सनालिटी अलग दिख रही है, मजाक से हटके ये सीरियस नोट पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपका फ्रेंड सर्कल होगा काफ़ी अलग ही होगा वो, तो उसको इन चीज़ों के बारे में आप बताते हो या आपका फैमिली का सपोर्ट बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो उनका क्या रोल रहता है, वो क्या करते हैं, ताने मारते हैं क्या वो, आप उसको किस नज़रिए से देखते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। हमारी सूरत के अंदर क्या है, जो हमारा भी फैमिली है वो बिलोंग क्या है कि हम भी ये बिलीव करते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता जी, ठीक है जी। आप कुछ भी कर लो कोई भी काम छोटा नहीं होता, और ये हम लोग अपने शौक से कर रहे हैं जी, मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं जी जी, ठीक है। और ऐसा सूरत के अंदर तो ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो तो आपको कोई ताना देगा या ये करेगा या वो करेगा, ऐसा हमारे सूरत में तो कोई कल्चर नहीं है। तो सूरत के अंदर क्या डेयरी फार्मिंग के अंदर बहुत कम लोग हैं जी, बहुत मन मतलब तबेला वबेला ये सब सबका होगा, पर एक्चुअली कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के अंदर बहुत कम लोग हैं जो एडवांस लेवल पे उसको कमर्शियल लेवल पे मार्केटिंग के लेवल पे मैनेजमेंट के तौर पे जैसे आप जैसे बहुत रेयर मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जैसे दूर दराज एरिया में अपन जनरल वे में मैं बात करता हूँ, जैसे आप जैसे पढ़े लिखे MBA ग्रेजुएट हैं, तो ऐसे अगर ये तबेला डेयरी फार्मिंग खोल के बैठेंगे, चाहे वो उसको एडवांस लेवल पे लेके चले गए एज ए बिजनेस के तौर पे उसको लेके चले गए, पेटेंट राइट उसका रजिस्टर करवा रखा है, सब कुछ वेबसाइट है, कमर्शियल पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या आगे भी उसके लिए प्रोडक्ट लाइन भी खोल रहे हैं, पर वहाँ क्या है कि सामाजिक तौर पे उनको काफ़ी ताने झेलने पड़ते हैं और वो काफ़ी दबाव में आके फिर कहीं तो ऐसे झिझक की वजह से खोल भी नहीं पाते। आपका क्या कहना है उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप जैसे यंग मोटिवेटेड आदमी कुछ कहेंगे तो वो भी सामने आके जो उनके मन में चल रहा है वो बिल्कुल एक्सपोज हो सकते हैं। सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी काम देखिए छोटा नहीं होता, आप कुछ भी कर लो ठीक है। और ये कैटल बिजनेस क्या है कि अगर इंडियन इकोनॉमी में समझिए इनका भी बहुत अच्छा योगदान है। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उन्होंने हमारे यहाँ श्वेत क्रांति की थी, ठीक है। अगर वो भी सोच लेते कि मैं कहाँ डॉक्टर बनूंगा, ये सब यही वे करता फिरूंगा जी जी, और ये ब्रीडिंग समझिए कि ब्रीड के अंदर डेवलपमेंट लाऊंगा, अगर वो नहीं करते तो आज हमारे पास इतनी अच्छी ब्रीड ही नहीं होती। समझ गया सर। मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी काम आपका छोटा नहीं होता, अगर आपको मन लगना चाहिए और शौक होना चाहिए, ठीक है। काम में भी क्या आपका पैशन होगा तो कोई भी काम आप कर सकते हो। बिल्कुल सर, इंटरेस्ट और पैशन तो दो चीज़ तो सबसे मेन मुद्दा है, उसी चीज़ पे डिपेंड करता है क्या है कैसे करना है। और सर लास्ट में क्या कहना चाहोगे, कुछ मोटिवेशन टिप आप युवाओं को देना चाहोगे, क्योंकि आप भी उम्र आपकी भी 22-23, 24-25, 26 साल के आसपास आपकी लग रही है, तो क्या कैसे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है उसके? देखिए बेसिकली यही है कि पहले आप समझ लो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो डेयरी फार्म के अंदर एक आध महीना जाके विजिट करो, देखो कैसे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं जी, ठीक है। ब्रीडिंग एकदम आपका हो गया लास्ट, पहले तो मैनेजमेंट चाहिए और फीडिंग चाहिए। ब्रीडिंग तो ठीक है कर लेंगे,
गाय आएगी तो एक दो बार धक्के खाएंगे, तीसरी बार से खाएंगे, चौथी बार में अपने आप को लाएंगे। वही वही मैं बोल रहा हूँ, दो तीन बार आप गिरोगे, चौथी बार में तो बैलेंस बना ही लोगे आप। बिल्कुल। और एक ही आप एचएफ गाय का पालन कर रहे हैं, इसी को अगर आप देसी गाय हो गई या गिर गाय में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, रीज़न? देखिए, लोग बोलते हैं कि ए2 मिल्क पीना चाहिए, इवन मिल्क जहर होता है, ये वो, ऐसा ये सब बातें बकवास है। देखिए, ए1 और ए2 में डिफरेंस ये है, जो बीटा कैसिन होता है दूध के अंदर का, ठीक है, वो एचएफ के अंदर ए1 होता है, ठीक है, या ए1 ए2 हो सकता है, और गिर या देसी जितनी भी ब्रीड है उसके अंदर ए2 होता है, ठीक है। अभी WWS के अंदर भी बहुत सारे बुल हैं, ठीक है, जिनका बीटा कैसिन ए2 है, तो वो लोग, उनकी काफ जो आएगी वो ए2 मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा नहीं है, दूध दूध होता है। ए2 और ए1 में ये डिफरेंस है कि ए2 थोड़ा पचने में हल्का होता है, जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिसको दूध पचाने में दिक्कत हो रही है, तो वो ए2 पी सकते हैं, कि थोड़ा हल्का रहता है और गैस नहीं करता, बस इतना है। बाकी ऐसा कोई जहर वहर नहीं है। इंडिया के अंदर आज समझिए दूध का प्रोडक्शन है, उसके अंदर 70% प्रोडक्शन है एचएफ काऊ का है। अगर आप पंजाब के अंदर चले जाओ जी, ठीक है, ना वहाँ पर साहिवाल है, ना साहिवाल का फार्म है, ना राठी का फार्म है, ना थारक पारकर का फार्म है, आपको मिलेगा एचएफ का फार्म। अगर साहिवाल भी मिल गई आपको, एक दो तीन तीन मिलेगी किसी के पास, मेरे यहाँ खुद के फार्म में भी मेरे पास दो साहिवाल है प्योर ब्रीड की, और दोनों की फीमेल काफ़ी प्योर ब्रीड की है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन आपने जानकारी दी है, ए से लेकर जेड तक आपका, कैसे आपने इसकी शुरुआत की, कहाँ से ब्रीडिंग पे क्या कर रहे हो, सीमन कौन सा यूज़ कर रहे हो, खाने की आपने बात बताई, और कौन सी गायें आपके पास है, कौन सा कैसे रख रखाव करते हो, सारी डिटेल आपने बता दी है। एक लास्ट में कंक्लूजन निकाल के, आपका हर इंसान का आगे बढ़ने का एक नज़रिया होता है कि धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ें, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, इसी को आगे एडवांस लेवल पे कुछ प्रोडक्ट लाइन इसके मिल्किंग में निकालना चाहोगे या कुछ और करना चाह रहे हो, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल प्लान्स, जस्ट एलोबरेट इट सर। देखिए, सबसे पहले तो मेरा क्या है, फ्यूचर प्लान यही है कि पहले मुझे ब्रीडिंग पे अभी यहाँ से और 3-4 साल फोकस करना है जी, ठीक है जी। मेरा मेन पर्पस ब्रीडिंग है, ब्रीड तो है ही है, चलिए वो तो सेकेंडरी पर्पस हो गया, पर मेन पर्पस ब्रीड है। तो अगर आपके पास ब्रीड अच्छा होगी तो दूध निकालने ही वाली है अच्छा, अगर तो ब्रीड अच्छी नहीं है तो उसको आप 23-24% प्रोटीन वाला भी दाना खिला दो, वो दूध दूध नहीं निकालेगी, ठीक है। और मेरा एक खुद का मैंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है मिल्क क्राफ्ट डेयरी के नाम से, ठीक है, जिसका इंस्टाग्राम पे पेज भी है मिल्क क्राफ्ट डेयरी के नाम से। तो वो क्या है कि वो लाइनअप करने का दिवाली के बाद मेरा प्लान है, ग्लास बॉटल के अंदर डोर टू डोर सूरत के अंदर सप्लाई का प्लान है मेरा। उन जानकारी आपने हमको दी, किसान भाइयों को सामने दी, युवा लोगों को आपने बताया है, अब वो उनके मन में क्वेश्चन भी राइज होंगे, क्योंकि ये 30-40 मिनट का वीडियो बना है, इसमें अपन संपूर्ण जानकारी तो नहीं ले पाए, कुछ के क्वेश्चन छूट भी गए होंगे, तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैसे वार्तालाप कर सकते हैं, अगर उनको कुछ क्वेरी होगी तो वो कैसे ले आपसे संवाद कर सकते हैं सर? ठीक है, मैं अपने जो हमारे काउ कंसल्टेंट है जितिन शर्मा जी, उनका नंबर शेयर कर देता हूँ। ही इज़ द वेरी बेस्ट पर्सन टू कंसल्ट, अगर किसी का कमर्शियल डेयरी फार्म है, 30-40 गाय है जी, तो श्योरली ही कैन कॉल हिम और कॉन्टेक्ट हिम, और वो आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। उनका नंबर है 9827086045। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 9827086045। गुजराती में जितेन शर्मा, गुजराती में बता दीजिए सर। 9827086045। हिंदी में बता दीजिए एक बार। 9827086045। सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर इस वीडियो का मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। सर, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे वीडियोस देखे और आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपका डेयरी फार्म कवर करूँ, और आपने मेरे को यहाँ बुलवाया, जिसके लिए सर मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आगे आने वाले सर, एक मेरा क्या होता है, मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, मैं डेयरी फार्म में जाता हूँ तो सिंपली मेरा पैसा यूट्यूब से पैसा कमाने का मुद्दा नहीं रहता, मेरा ग्राउंड लेवल से संपूर्ण जानकारी जुटाने का उद्देश्य रहता है कि मैं कैसे बेस्ट से बेस्ट जो डेयरी फार्मर है उससे कैसे निकला सकूँ। तो अभी तो आपका पर्सनल मैंने लिया है, इसके बाद अभी आपके डेयरी स्ट्रक्चर है, गायें हैं, उनको अपन कवर करेंगे, आपका फीडिंग मैनेजमेंट कैसा है वो अपन कवर करेंगे, क्या क्या दाने में आप डालते हो वो सारा, आपके पास मेडिसिन का भंडार है, कौन सी गाय कब क्या तकलीफ आती है, क्या लगाते हो, और कुछ इंप्लीमेंट्स भी आप बनाते हो जो डेयरी फार्म को थोड़ा सा हेल्प कर सके लेबर कॉस्ट को घटाने में,
वो सारी अपन डिटेल्स आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।